ये कहानी दो भाइयों की, एक अमीर बन चुका था, सक्सेसफुल था, दूसरा वाला नशेड़ी बन चुका था, नशे की हालत में रहता था, ड्रग एडिक्ट बन चुका था, कभी शराब पीता था, कभी ड्रग्स लेता था, हमेशा घर में आकर के वो धमा चौकड़ी मचाया करता था, कभी वाइफ को पीटता था, कभी बच्चों को पीटता था। एक दिन उसकी पत्नी परेशान हो गई, उसने कहा इंतहा हो गई, रोज लड़ाई करते। वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई, थानेदार को जाकर के रिपोर्ट लिखवाने लगी कि मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, वो मारपीट करते हैं, और आप भेजिए कांस्टेबल्स को, उनको यहां लेकर के आइए, उनकी जगह जेल में, घर में नहीं है। पुलिस वाले गए, जाकर के उसे उठा लाए, नशे की हालत में पड़ा हुआ था घर पर, उसको लाना कोई मुश्किल काम तो था नहीं। वो थाने में आया, थोड़ा उसका नशा जब उतरा तो थानेदार साहब ने उससे पूछना शुरू किया कि भैया ये सब क्यों करते हो, अपनी पत्नी को क्यों पीटते हो, अपने बच्चों को क्यों मारते हो, और ये नशा क्यों करते हो इतना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब क्या बताऊं, मेरे पिताजी इसका कारण है। थानेदार ने कहा पिताजी? वो व्यक्ति बताने लगा कि मेरे पिताजी शराब पीते थे, घर पर आकर मारपीट करते थे, कभी मम्मी को मारते थे, कभी हम भाइयों को मारते थे, मेरे पिताजी बहुत बुरे थे। अब उनके बच्चे से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? थानेदार सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि हाँ सही बात है, तो घर में चला आ रहा है तो ये भी कर रहा है। तभी एक सूटेड बूटेड बंदा वहां पुलिस स्टेशन में आया, थानेदार ने देखा कि वो व्यक्ति आकर के इसकी बेल के लिए आया था, इसको छुड़वाना चाहता था, जिसको पहले पकड़ के लाए थे, कहने लगा भैया आप? थानेदार समझ गया कि इसका भाई है। थानेदार ने कहा बैठिए बैठिए। थानेदार ने एक सवाल पूछा कि एक बात बताइए, ये आपका भाई नशे में रहता है और आपको देख करके लग रहा है कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं, आप सूटेड बूटेड आए, बहुत पैसा आपके पास, आपकी सक्सेस का कारण क्या है? तो जो बड़ा भाई आया था उसने कहा मेरे पिता मेरी सक्सेस का कारण है। थानेदार सोच में पड़ गया, चौंक गया। थानेदार ने कहा कि क्या बोल रहे हैं आप, अभी ये आपका भाई बता रहा था कि आपके पिताजी शराबी थे? वो जो सूटेड बूटेड आया था बंदा उसने कहा हाँ जी, मेरे पिताजी शराब पीते थे, मारपीट करते थे, कभी मम्मी को मारते थे, कभी छोटे वाले को, कभी मुझे, हम भाइयों को पीटते थे। मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर के मुझे इनके जैसा नहीं बनना है। थानेदार को सारी बात समझ में आ गई। एक भाई ने यह सीखा कि पिताजी क्या कर रहे हैं वही करता गया, दूसरे ने यह सीखा कि क्या नहीं करना है। एक ही सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। आप कौन से एस्पेक्ट को चुनते हैं, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफस्टाइल उससे डिसाइड होती है।